फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स की सीरीज में हमने जितने बेसिक्स थे वो सब देख लिए थे फायर आर्म्स के बारे में एंड आज हम बात करने वाले हैं एम्यूनेशन के बारे में एम्यूनेशन के बारे में आज हम पूरा देखेंगे कि एम्यूनेशन क्या होता है प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन फायर आर्म्स एक्ट इंडियन एम्यूनेशन एक्ट के अंडर में इसको किस सेक्शन में रखा गया है एंड इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एंड इसके क्या कंपोजिशन होते हैं तो आज हम पूरा देखने वाले हैं एम्यूनेशन के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को जो कि वट इज़ एम्यूनेशन सो so, अगर हम बात करें कि एम्यूनेशन क्या होता है सो एम्यूनेशन मीन्स कार्ट्रिज कम्पोज ऑफ शेल्स प्रोपेलेंट्स प्राइमर एंड प्रोजेक्टाइल्स कॉमनली यूज इन फायर आर्म्स अगर हम एम्युनेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एम्युनेशन कोई भी एक कार्ट्रिज का या फिर शेल का कॉम्पोजिशन होता है जिसमें कि हमारा प्रॉपिलेंस प्राइमर एंड प्रोजेक्टाइल्स का यूज़ किया जाता है एंड इस सब का पूरा असेंबल करने के बाद में इसका यूज़ हम आर्म्स में करते हैं जिससे कि हम अपने टारगेट को प्रॉपरली हिट कर सकें ठीक है तो ये सारे क्या क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे ये सारे के सारे एम्यूनेशन के एक तरह से कह सकते हैं कॉम्पोजिशन ये सारे होते हैं एंड एम्यूनेशन कोई भी सिंपल लैंग्वेज में अगर हिंदी में बोलें तो इसको गोला बारूद कहते हैं तो इसका यूज़ फायर आर्म से फायर करने के लिए किया जाता है ठीक है इसके अलावा अगर हम जनरली रिफर्स टू अ सिंगल लाइव अनफायर्ड कार्ट्रिज कंप्राइजिंग द मिसाइल कार्टरेज केस प्रोपेलेंट एंड सम फॉर्म ऑफ प्राइमर्स सो जो आपके एमिनेशन रहता है अगर इसको जनरली कहें तो ये एक सिंगल कार्ट्रिज लाइफ कार्ट्रिज दैट मीन्स आपका फायर नहीं हुआ है अनफायर्ड कार्टरेज है वो कार्ट्रिज जिसमें कि मिसाइल हो मिसाइल का कोई कंपोनेंट हो मतलब मिसाइल के लिए यूज़ बनाया गया हो कार्टरेज का केस हो या प्रॉपिलेंट हो या फिर किसी भी और तरह का प्राइमर जो रहते हैं उसमें प्राइमर बहुत सारी तरह के होते हैं तो वो कुछ हो तो वो सारा का सारा आपका एम्यूनेशन हो जाता है द टर्म इज़ ऑल्सो अप्लाइड टू द लाइव ब्लैंक एंड टीयर गैस एम्यूनेशन एम्यूनेशन का यूज़ आप लाइव कार्टरेज के लिए ब्लैंक कार्टरेज के लिए दैट मीनस अनफार्ड कार्टरेज के लिए या फिर रियर गैस एम्यशन के लिए भी कर सकते हैं फिर अगर हम आगे देखें सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू वन बी ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी नाइन सो इंडियन आर्म्स एक्ट में नाइनटीन फिफ्टी नाइन के सेक्शन टू वन बी में एम्यशन के डिफाइन किया गया है सो एम्यूनेशन मीन्स इट इंक्लूड्स एम्यूनेशन ऑफ एनी फायर आर्म्स एंड इंक्लूड्स Rockets, bombs, grenades, shells, and other live missiles. Articles designed for torpedo service and submarine mining. Other articles containing or designed or adopted to contain explosive, fulminating, or fissionable material or noxious liquid. Gas or other such things, whether capable of use with firearms or not. Then, th uh, fourth point is charges for firearms and accessories for such charges. फिफ्थ पॉइंट है फ्यूज एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स एंड सिक्स पॉइंट है आपका सच इन्ग्रीडियंट ऑफ एमिनेशन एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई ऑन दिस बिहाफ सो ये वाले जो डेफिनेशन है ये अगर आप एमएससी या बी के स्टूडेंट हैं एंड आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप अगर ये वाला आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है क्योंकि ये वाली डेफिनेशन पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है एम्यूनिशन को कि एम्यूनिशन क्या क्या है एंड इसके अंदर में आप किस किन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं सो so अगर हम बात करें इसमें किसी भी तरह के रॉकेट्स बॉम्ब्स या फिर ग्रेनेड्स होते हैं शेल्स होती हैं या फिर कोई भी मिसाइल होती है उस सबको एम्यूनिशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा इसके अलावा टॉर्पीडो सर्विस के लिए सबमरीन माइनिंग के लिए जिन जिन आर्टिकल्स को डिज़ाइन किया जाता है वो सारे भी आपका एम्यूनिशन में ही आता है अदर आर्टिकल जो कि कंटेन करते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी एक्सप्लोसिव या फर्मोनेटिंग एक्सप्लोसिव को एडॉप्ट करने के लिए तो वो सारा का सारा इसमें आ जाता है फिजनेबल मटेरियल या फिर नॉक्शियस गैस है कोई लिक्विड है इस तरह की कोई भी चीज़ें होंगी वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फायर आर्म्स के लिए कैपेबल हो उसके लिए यूज करने के लिए हो या ना हो वो सारा का सारा आपका एम्यूनेशन में ही आ जाएगा मतलब ज़रूरी नहीं है एम्यूनेशन वही चीज़ है जो कि आपके फायर आर्म्स से फ़ायराम में यूज़ करी जाती है एम्यूनिशन कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसका यूज़ किसी भी तरह के एक्सप्लोजन को या फिर अपने टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है ठीक है तो रॉकेट बॉम्ब ग्रेनेड शेल्स ना कुछ भी इसमें आ सकता है इस तरह का कोई भी जो कि एक्सप्लोसिव फर्मिनेटिंग सब्सटेंस होता है फिजनेबल मटेरियल होता है नॉक्शियस लिक्विड गैस कुछ भी आ सकता है इसके अलावा जो कि फायराम्स में चार्जेस यूज किए जाते हैं आ, फायर करने के लिए वो सारे के सारे एंड एसेसरीज मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं उन चार्जेस को फॉर्म करने के लिए वो सारा भी आपका एम्यूनेशन का ही पार्ट होता है देन फ्यूज़ एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स जो होती हैं वो भी आपका एमुनेशन में ही इंक्लूड किया जाएगा एंड वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एमुनेशन के वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जो उनका ऑफिशियल गज़ट है उसमें इन सभी को स्पेसिफाई किया गया है बहुत ही अच्छी तरह के ये सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया है ठीक है सो so, ये डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा समझ लीजिएगा एंड एग्जाम में लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है एंड अगर हम नेट के एस्पेक्ट से बात करें तो नेट के एस्पेक्ट से आपको इसका सेक्शन एंड किस एक्ट के अंडर में इसको डिफाइन किया गया है उसका ईयर एंड ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए ठीक है तो अगर हम बेसिकली एम्यूनेशन को समझें तो एम्यूनेशन बेसिकली वही चीज़ है जिसकी हेल्प से अगर हम फायर आर्म्स के एस्पेक्ट से बात करें तो जिसकी हेल्प से आप किसी भी फायर आर्म से फायर करते हैं जिस भी चीज़ को किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए जो चार्ज यूज करा जाता है उसको हम एम्यूनिशन बोलते हैं ठीक है इसके अलावा रॉकेट बॉम्ब ग्रेनेड इस तरह का कोई भी नॉक्शियस लिक्विड गैस या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या फिर फ्रिजनेबल मटेरियल कुछ भी इस तरह का वो भी आपका एम्यूनिशन में ही इंक्लूड होता है फिर हम आगे बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं सो so, अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ एम्यूनेशन की बात करें तो एम्यूनेशन का कॉम्पोजिशन जो है आपका कार्ट्रिज सेल कार्ट्रिज सेल, प्राइमर प्रोपलेंस प्रोजेक्टाइल वैट्स एंड ल्यूब्रिक्स से होता है ठीक है अभी ये आपकी कार्ट्रिज सेल जो होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं रिम फायर सेंटर फायर एंड इसके अलावा एक और होता है ठीक है इस तरह से इन सभी के बारे में एक एक करके हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये क्या क्या होते हैं इनका किस किस तरह से आपका जो आपका कार्ट्रेज होता है आपका जो एम्यूनेशन होता है उसमें इसको किस किस तरह से किस किस जगह पर प्लेस करा जाता है तो वो पूरा का पूरा हम इसमें आगे अगले वीडियोज़ में देखेंगे क्योंकि इस वाले वीडियो में बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है इसमें आपका कार्टरेज शेल के टाइप्स प्राइमर के टाइप्स और जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं वैड्स भी आपके बहुत सारे तरह के होते हैं तो इनके इस तरह से इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे लेकिन अगले आने वाले वीडियोस में ठीक है तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे एक इमेज से समझ लेते हैं कि आपका जो एम्यूनेशन होता है आपकी जो कार्टरेज होती है उसका किस तरह सा एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है तो ये आप देख रहे हैं ये आपकी जो है शॉटगन गन की कार्ट्रिज है एंड ये आपके किसी भी तरह के रिवॉल्वर या फिर राइफल्ड फायर आर्म की कार्ट्रिज कह सकते हैं ठीक है थीके? तो ये आपके राइफल की कार्ट्रिज है ये आपके कोई भी आ, हैंड गन की कार्ट्रिज है ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें ये नीचे आपका परक्यूजन कैप होता है मतलब नीचे आपका जो बेस होता है ये बेस में आपका परक्यूशन कैप रहता है इस तरह से ठीक है ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ये आपका परक्यूशन कैप रहता है इसके अंदर आपका प्राइमर रखा होता है इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है इसमें आपका प्राइमर रखा होता है इसी तरह से इसमें भी होता है एंड इसमें भी होता है यहाँ पर आपका परक्यूशन कैप होता है उसके अंदर आपका प्राइमर रखा होता है ठीक है प्राइमर से जस्ट आपका अटैच हुआ आपका प्रो पाउडर चार्ज होता है जिसको कि हम प्रोपिलेंट कहते हैं इसमें थोड़ा सा होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ये इस तरह से है यहाँ पर भी ये प्रॉपिलेंट रखा हुआ है अब ये जो आपका प्रॉपिलेंट होता है जिसको हम पाउडर चार्ज भी कहते हैं ये सारा का सारा एक इंक्लोज चैंबर में इंक्लोज रहता है जिसको कि हम कार्टरेज शेल कहते हैं ठीक है ये पूरी इसकी कार्टरेज शेल होती है इसी तरह से इसकी ये पूरी कार्टरेज शेल है ये आपकी कार्टरेज शेल हो गई अब इसके बाद में इसको हम कार्टरेज केस भी कहते हैं अब ये आपका प्रॉपिलेंट हो गया प्रॉपिलेंट कार्टेज शेल्फ के अंदर पूरा भरा रहता है एंड इसके ऊपर साइड में आपका प्रोजेक्टाइल इसमें फिट किया जाता है प्रोजेक्टाइल को इसमें इस तरह से फिट करते हैं इसमें जो आपका ये जो रहता है आ, केस रहता है उसमें पूरा प्रॉपरली अच्छे से फिट कर देते हैं जब भी फायर करी जाती है तो आपका सिर्फ जो बुलेट रहती है सिर्फ आपका जो प्रोजेक्टाइल रहता है वही आपके फायर आर्म से बाहर निकलता है ठीक है सेम इस वाले में भी सेम वही चीज़ रहती है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें एक तो सारी चीज़ों को अपनी प्लेस पर रोके रखने के लिए इसमें वैड का यूज़ करा जाता है मतलब आपका प्रॉपिलेंट और जो आपके बुलेट्स हैं तो उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए वैड का यूज़ करा जाता है जो कि प्लास्टिक के या पेपर के कुछ सर्कुलर पैटर्न में एक स्ट्रक्चर रहता है वो सारा हम आगे बात करेंगे ठीक है ये आपका प्रॉपिलेंट हो गया प्रोपिलेंट के ऊपर वैड लगा दिया गया एंड वैड के ऊपर जैसे कि मैंने शॉर्टग्स से बताया था कई सारे छोटे छोटे लेड के लेड बॉल्स का यूज़ करा जाता है उनको इसमें पूरा भरे भर दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी लेड की बॉल्स पड़ी हुई होती हैं उसको हम बुलेट्स कहते हैं इसमें बुलेट कह दीजिए या फिर शॉर्ट मतलब शॉर्ट्स कह दीजिए स्मॉल स्मॉल शॉट्स भी कहते हैं ठीक है एंड ऊपर से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है जब फायरिंग होती है जब आपका जो हैमर रहता है आपके परक्यूजन कैप आप पे हिट करता है उसकी वजह से आपका प्राइमर जलने लगता है वो आपके प्रॉपिलेंट को जलाता है जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं प्रेशर बनता है एंड आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है वो आपके फायर आर्म से बाहर निकल जाता है ठीक है सो इस तरह से ये पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी कार्ट्रिज का ये आपके शॉर्ट गन्स का होता है ये राइफल्स का होता है एंड ये आपके हैंड गन्स का रहता है ठीक है सो ये इस तरह से रहता है ये आपके सेंटर फायर हैं जो आपका रिम फायर रहता है तो वो पूरा बेस में आपका लगा रहता है ठीक है एंड इसके अलावा एक रहता है आपका पिन फायर पिन फायर में भी थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर रहता है उसमें साइड में यहाँ पर प्राइमर रखा रहता है एंड जो आपका हैमर होता है वो यहाँ पर एक पिन लगी होती है तो पिन पे हिट करता है एंड जो पिन होती है वो आपके जाके जो आपका प्राइमर होता है उस पर तेज़ी से हिट करती है ठीक है तो इस तरह से आपका पूरा कार्ट्रिज का रहता है कि किस किस तरह से इसका पूरा अब मैंने यहाँ पर रफली रफली बता दिया है अभी इसके बाद में हम सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि नेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं ठीक है सो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी हैं तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके अलावा जो मैंने राइफलिंग वाला बताया था तो राइफलिंग में एक पॉइंट रह गया था सो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो लैंडस एंड ग्रूप्स होते हैं तो वो ट्विस्टिंग होती है उनमें ठीक है तो उसकी वजह से उसमें गायरेट्री मोशन आता है आपकी प्रोजेक्टाइल वो गायरेट्री मोशन मिलता है सो so, जो लैंड्स एंड ग्रूफ्स में आपस में जो ट्विस्टिंग होती है तो वो जिस एंगल पर होती है तो उस एंगल का एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो ट्विस्टिंग के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं पिच ठीक है सो ये नाम आप अच्छे से देख लीजिएगा ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ठीक है सो आपका जो राइफलिंग रहती है राइफलिंग में जो लैंड्स एंड ग्रूव्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कहते हैं पिच ठीक है पी आई टी सी एच पिच ये नाम आप अच्छे से देख लीजिएगा तो यहाँ पर ये यह वाला टॉपिक कंप्लीट होता है इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के बारे में कार्टेज शेल और प्राइमर प्रॉप्लेंट इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे ठीक है तो ये वाला जो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेलाइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर